हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आपको 21st नंबर स्ट्रक्चर बतलाने वाला हूँ। देखिए, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस वी वन प्लस ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड्स। देखिए, जहाँ कहीं भी हैड के बाद अगर टू प्लस वी वन का प्रयोग हो जाए तो उसकी हिंदी होती है पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, ना था, नी थी, ने थे, परा, परी, परे या परा था, परी थी, परे थे। देखिए, आगे हम ट्रांसलेशन के माध्यम से देखते हैं। कहता है उसे जाना पड़ा था या उसे जाना था या उसे जाना पड़ता था। इस चारों हिंदी का जो अंग्रेजी होगा ही हैड टू गो, मतलब एक ही हिंदी होगा। देखिए, जैसे उसे जाना पड़ा तो उसे का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही, परा, परा था, ना था और पड़ता था, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हैड टू। और जाना का मीनिंग क्या हो जाएगा, जाना का मीनिंग हो जाएगा गो। आगे देखिए, यहाँ है उसे भीख मांगनी पड़ी या उसे भीख मांगनी पड़ी थी या उसे भीख मांगनी पड़ती थी, तो उसे का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही, पड़ी या पड़ती थी या पड़ी थी का मीनिंग हो जाएगा हैड टू, और भीख मांगनी का मीनिंग हो जाएगा बेग, तो ही हैड टू बेग हो जाएगा। आगे है हम लोगों को नाचना पड़ता था। देखिए, हम लोगों का मीनिंग क्या हो जाएगा, वी, और ना था या ना पड़ा था या पड़ा या पड़ता था का मीनिंग क्या हो जाएगा, हैड टू, और नाचना का मीनिंग क्या हो जाएगा, डांस, तो हो जाएगा वी हैड टू डांस। आगे देखिए, अब है ट्रांसलेशन, जैसे करा कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। कहता है कि मुझे झूठ बोलना पड़ा। सबको पता है कि झूठ बोलना का मीनिंग होता है टेल ए लाई, ठीक है। राकेश को त्यागपत्र देना पड़ा, त्यागपत्र का मीनिंग होता है रिजाइन, आर ई एस आई जी एन, रिजाइन मीन्स त्यागपत्र देना। आगे है उसे एक पत्र लिखना था, तो लिखना का मीनिंग सबको पता है कि राइट होता है। मुझे पटना जाना था, ये तो आसान है। मुझे लड़ना पड़ा, तो लड़ना का मीनिंग हो जाएगा फाइट, एफ आई जी एस टी, फाइट मीन्स लड़ना। गांधी जी को उपवास करना पड़ा, तो उपवास करना का मीनिंग हो जाता है फास्ट। लोग कहते हैं ना कि फास्टिंग किए हुए हैं, यानी उपवास किए हुए, एफ ए एस टी है। आगे चलिए, उसे भीख मांगनी पड़ी, तो भीख मांगने का मीनिंग क्या हो जाएगा, बेग, बेग। हम लोगों को कल पटना जाना था, यहाँ पे इस कल का मीनिंग हो जाएगा यस्टरडे, वाई ई एस टी ई आर डी वाई, यस्टरडे। कह रहा है कि हम लोगों को मैच खेलना था, तो मैच का मीनिंग मैच हो जाएगा एम ए टी सी एच, और खेलना का मीनिंग तो पता ही क्या होता है, प्ले होता है। आशा करते हैं कि यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोग लाइक शेयर कमेंट नहीं करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।